नमस्कार, मैं एलडी स्वामी, आप देख रहे हैं पल पल। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश बादू ने किया धरना प्रदर्शन, तो देखते हैं क्या इनकी। आज इलाहाबाद में कांग्रेस द्वारा सांकेतिक धरना। इलाहाबाद इलाके के लोगों ने आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश बादू के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के समीप इलाके के मुख्य मांगों को लेकर के सांकेतिक धरना दिया तथा उपमंडल अधिकारी नागरिक के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। इससे मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बारिश न होने के कारण सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2017 का फसल बीमा एक साल से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद नहीं मिला। किसान भाइयों को बीमा जल्द से जल्द दिया जाए। वहीं इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की टैलों पर पानी पहुँचाया जाए। इलाहाबाद के नोहर अंडरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो। रेलवे लाइन पार किसान शहर में आ सकें तथा पिछले लंबे अरसे से अपना काम काज ठप कर चुके नोहर रोड के दुकानदार अपना काम शुरू कर सकें। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के खेतों की बिजली सप्लाई बार बार लग रहे बिजली के कटों से निजात दिला करके निर्धारित बिजली सप्लाई दी जाए। शेरावाड़ी नहर को ऑटो हेड से जोड़ा जाए। इसके अलावा मनरेगा स्कीम वापस शुरू की जाए और बिजली के बिलों को लूट बंद हो। बीकानेर से बिलासपुर अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी का इलाहाबाद में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। जब किसान के ट्यूबवेल से क्यारी तक पानी पहुंचता है उसके बीच में लाइट चली जाती है, तो एक मनरेगा का है जी, मनरेगा के मजदूरी नहीं मिली है, पीछे की बकाया पड़ी है। कितना टाइम हो गया थोड़ी भी और बकाया भी बकाया है जी, जो हमारे साथियों ने बताया था, तो साथ में नई स्कीम बंद कर दी, अभी काम नहीं चल रहा है जी मनरेगा का कहीं। वो डायरेक्ट दौड़ने वाला था और बिजली का बिल में गाँव में 3-3, 4-4 हज़ार रूपए छोटे से छोटे आदमी के बिल आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप एवरेज अगर इनसे मंगवा के देखेंगे, आप गाँव के देखो जिसके घर में दो पंखे। आज हम विधानसभा क्षेत्र के किसानों, मजदूरों की, व्यापारियों की समस्याओं को लेके आज हमने एसडीएम साहब को 9 मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से इलाहाबाद को सूखाग्रस्त घोषित करने का, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का, 2017 का जो किसान का फसल बीमा है उसके क्लेम दिलवाने का, और इलाहाबाद में अंडरब्रिज अंडरब्रिज के जो है काम बंद हो रहा है, काम धीरे धीमे उसमें चल रहा है, तो वो स्पीडली करवा के और वहाँ से निकलने का रास्ता दिया जाए, ताकि जो नोहर रोड की दुकानें हैं उनके जो दुकानदार हैं वो बेचारे कंगाली के कगार पे हैं, वो बच सके, किसान जो हैं वो अपनी फसल इलाहाबाद शहर में ला सके, और इलाहाबाद में शहर में आने में उनको 10 किलोमीटर का रास्ता होता है। और जो मुख्य रूप से हमने ये किसान और मजदूरों के, जैसे मनरेगा का है, मनरेगा का काम शुरू कराया जाए और उसके साथ जो पीछे का बकाया पड़ा है वो भी दिलवाया जाए। खेतों में बिजली का है, किसानों के खेतों में बिजली के अघोषित कट है वो ना लगाया जाए, तो इस तरह से हमने 9 मांगों का वो दिया है, जिसमें अंत्योदय एक्सप्रेस जो इलाहाबाद से निकल के जा रही है लेकिन यहाँ उनका स्टॉपेज नहीं है, तो वो स्टॉपेज लागू करवाया। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कह रहे हैं हम जल्दी से जल्दी आपकी मांग पूरी करवाएंगे, और दूसरा हमने उनको 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन बाद ये कह रहे हैं एक मीटिंग बुला के, इससे पहले हम मीटिंग वगैरह सारी कर लेंगे और जो भी हो सकता है काम हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, बाकी आपकी जो डिमांड्स हैं सरकार को लिख के भेजनी है, राष्ट्रपति महोदय को लिख के भेजनी है, वो हम भेजेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी जी? अगर ये 15 दिन में नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, ये हमने इनको बोल दिया है सर, हम आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये किसान मजदूर के पेट की लड़ाई है, तो इससे बड़ा भी करेंगे आगे। बड़ा करेंगे, अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ा करेंगे आगे। थैंक यू।